एक विषय प्रारंभ किया था और उसी समय यह भी कहा था कि वास्तव में यह विषय इस वर्ग का नहीं, विषयांतर है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जैसा है। और पहले ही अपने पास समय कम, उसमें एक्स्ट्रा करिकुलर सब्जेक्ट ज्यादा आ जाएगी, मुश्किल होगा। तो भी परिस्थिति की आवश्यकता इस नाते और जो अपनी राष्ट्रनैतिक भूमिका है उस नाते विषय को ले रहे, यह कल कहा गया था। क्योंकि वैसे भी राजनीति अपने क्षेत्र में नहीं आती, हम राजनीति से दूर है, इतना ही नहीं तो राजनीति के योग्य भी नहीं। राजनीति के लिए बड़ी योग्यता की आवश्यकता है, कई उसके क्वालिफिकेशन बताए गए। अब ये सारे क्वालिफिकेशन तो हम लोगों के पास नहीं, इसलिए अव्यापार शिव्या व्यापार हो जाता है। जैसे मुझे स्मरण होता है कि किसी ने अच्छा पॉलिटिशियन कौन है इसके बारे में कहा कि अच्छा पॉलिटिशियन वो है जो आज बता सकता है कि कल क्या होगा निश्चित रूप से, और जब वह बात कल नहीं होती तो परसों जो बता सकता है कि क्या क्या कारण थे जिनके कारण यह बात नहीं हो सकी, पूरा एक्सप्लेनेशन दे सकता है। अब यह जो कला है ये यहां बैठे हुए किसी कार्यकर्ता में नहीं, और किसी ने पॉलिटिक्स की एक परिभाषा दी कि पॉलिटिक्स इज ए जेंटल आर्ट ऑफ गेटिंग वोट्स फ्रॉम द पुअर एंड कैंपेन फंड्स फ्रॉम द रिच बाय प्रॉमिसिंग टू प्रोटेक्ट ईच फ्रॉम द अदर, ऐसा बताए। अब ये जो कला है ये हम में से कितने लोग आत्मसात कर सकते हैं, तो कई क्वालिफिकेशंस की आवश्यकता है, हमारी वो हम लोगों की योग्यता नहीं है। इस दृष्टि से अव्यापार शिव व्यापार न किया जाए तो भी परिस्थिति की आवश्यकता और राष्ट्रनीति का एक अंग इस नाते जितना उचित उतना विचार करने का सोचा है। कल यह भी कहा कि राष्ट्रनीति अलग बात है, राजनीति अलग बात है, और राजनीति का राजनीति के नाते विचार करना और राजनीति का राष्ट्रनीति के नाते विचार करना ये भी अलग अलग बात है, दृष्टिकोण अलग अलग हो जाते हैं। एक ही समस्या पर और अलग अलग दृष्टि से राजनीतिक राष्ट्रनैतिक विचार हो सकता है। उदाहरण के रूप में यदि मैं बताऊं, जो अपने भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ताओं के लिए ज्यादा संबंधित है, कि मास ऑर्गेनाइजेशन खासकर ट्रेड यूनियन जैसे राजनीतिक दल के अंग रहे या न रहे, तो पहली बार यह सवाल 1936 में लखनऊ कांग्रेस के समय आया, जवाहरलाल जी और कुछ लोगों ने यह प्रस्ताव लाने का सोचा कि AIPUC और किसान सभा
ये कांग्रेस के विंग्स के रूप में काम करे। किंतु पद्धति ऐसी थी कि पहले महात्मा जी से चर्चा कर लेना, तो महात्मा जी ने इस बात को रिजेक्ट किया। उन्होंने कहा कि ये जो मास ऑर्गेनाइजेशन से उनको इंडिपेंडेंट रहने दीजिए। अब दोनों एक ही संस्था के थे, जवाहरलाल जी और महात्मा जी, लेकिन दोनों के दृष्टिकोण में अंतर था। यहां तक अंतर था कि जो संस्थाएं रचनात्मक कार्यों के लिए स्वयं महात्मा जी ने शुरू की थी, माने जिनका नेतृत्व केवल महात्मा जी का ही था, उन संस्थाओं को भी कांग्रेस के अंडर उन्होंने कभी रखा नहीं, अलग रखा, स्वायत्त स्वतंत्र ऐसा रहा। हालांकि दोनों तरफ उन्हीं का नेतृत्व था, एक ही संस्था में काम करने वाले, लेकिन अलग अलग दृष्टिकोण, एक राजनीतिक एक राष्ट्रनीतिक। किसान मजदूर प्रजा पार्टी का और सोशलिस्ट पार्टी का जब विलयन हुआ और पीएसपी नाम की संस्था बनी, तो हिंदू मजदूर सभा का क्या होगा, क्योंकि सोशलिस्ट पार्टी के विंग के रूप में वो सीधी थी। डॉक्टर लोहिया जी ने कहा कि भाई ये तो हमारा सिद्धांत ही कि ट्रेड यूनियन मस्ट बी ए विंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। आचार्य कृपलानी ने कहा कि ऐसा होगा तो मैं आपके साथ नहीं रह सकता। हमारा सिद्धांत है कि ये मास ऑर्गेनाइजेशन अलग होनी चाहिए। अब कृपलानी जी का बल ज्यादा था, इसलिए उस समय तक जब तक पीएसपी रही, एचएमएस का स्वतंत्र अस्तित्व रहा। भारतीय मजदूर संघ के बारे में भी जब चर्चा हुई, राजनीतिक लोगों को यह लगना तो स्वाभाविक है कि रेडीमेड मटेरियल कहीं मिलता है तो अच्छा ही होगा, किंतु हम लोगों ने मार्गदर्शन के लिए परम पूजनीय गुरु जी के पास जब पृच्छा की, तो उन्होंने भी कहा कि भाई इंडिपेंडेंट ही रखना चाहिए। अब ये तीनों तो एक दूसरे से बात करते हुए कोई निष्कर्ष निकालते हो गया, ऐसा नहीं, अलग अलग समय पर अलग अलग लोगों ने अलग अलग परिस्थिति में, लेकिन एक ही बात कही। इसका मतलब जो राष्ट्रनैतिक दृष्टि से विचार करते हैं उनका सोचने का एक ही ढंग होता है, यह निकलता है। आज की भी परिस्थिति में विशुद्ध राजनीतिक प्रश्न भी लिया तो भी राजनीतिक विचार राष्ट्रनैतिक विचार एक ही होगा, ऐसा नहीं। उदाहरण के रूप में आपने भी पढ़ा होगा कि अभी जो चुनाव हुआ, इस चुनाव में जैसा हर चुनाव में होता है, वोट्स और सीटें इनमें कोई प्रोपोर्शन नहीं रहता। कम वोट मिलते हुए ज्यादा सीटें मिलती है, और जितना वोट मिलता है उसके अनुपात में सीटें कम मिलती है, दोनों तरह के अनुभव आते हैं। अब यह बात तो नई नहीं थी, ग्रेट ब्रिटेन में भी इस तरह का अनुभव था। अपनी कॉन्स्टिट्यूशन जब बनी उस समय भी यह विचार लोगों के सामने था। कई कंसिडरेशंस हो गए उसके कारण ब्रिटिश सिस्टम अपने यहां लाई गई। अब हालांकि हर चुनाव में यह बात थोड़ी बहुत अखरती थी, हो सकता है कि इस चुनाव में बहुत ज्यादा अखरे, क्योंकि यह जो आउट ऑफ प्रोपोर्शन बहुत ज्यादा हुआ। कांग्रेस को इंदिरा के 6,50,00,000 वोट है, जनता को 3,72,00,000, माने आधे से तो ज्यादा है। और वोटों के मुताबिक यदि सीटों का बंटवारा होता तो लगभग 255 इंदिरा कांग्रेस, 127 जनता, ये प्रोपोर्शन में आने वाली बात थी। तो ये हमेशा आउट ऑफ प्रोपोर्शन होता है, इस समय बहुत ज्यादा हुआ। अब राजनीतिक प्रतिक्रिया क्या होगी, जो विशुद्ध राजनीतिक प्राणी है उनकी प्रतिक्रिया क्या होगी,
तो ये होगी कि साहब ये सिस्टम डिफेक्टिव है, बदलना चाहिए। अब यहां तक तो हम लोग सहमत है ही, किंतु कारण अन्य है, उनके कारण अन्य है, हम लोगों के कारण अन्य है। और इस चुनाव को देखकर खटाक से यह भी सुझाव आ सकता है कि न्याय संगत बात तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है, अब इसमें बहुत ज्यादा कंसिडरेशन नहीं है, क्योंकि न्याय की ही मांग होती तो 30 साल तक सोने की आवश्यकता क्या थी। इस समय ज्यादा अखरा, इसलिए फिर वो न्याय की बात आ सकती। अब राष्ट्रनैतिक आदमी विचार करेगा, केवल अगले चुनाव में मेरे वोट्स बढ़े या सीटें बढ़े, इतना ही विचार नहीं करेगा। वो सोचेगा कि भाई आज की जो बीमारी है उसको तो दूर करना है, और दूर करने के लिए ये उपाय है, दवाई है, ये ठीक है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि रेमेडी वर्स देन द डिसीज, क्योंकि हिंदुस्तान यह एक प्लूरलिस्टिक सोसाइटी। प्लूरलिस्टिक सोसाइटी का मतलब होता है कि जो अलग अलग कारणों से विभक्त तो हो सकती है, सामाजिक कारणों से, आर्थिक कारणों से, कई कारणों से विभक्त तो हो सकती है, प्रदेशवाद के आधार पर। और इस तरह की जो प्लूरलिस्टिक सोसाइटी है उसमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यदि एक बार आ जाता है तो आज की भी सिस्टम में कुल मिलाकर विभाजनकारी प्रवृत्तियां बहुत है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में वो बढ़ेगी, यह कहने के लिए ज्योतिषी की आवश्यकता नहीं। और उसके कारण इंस्टेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है, और जब इंस्टेबिलिटी बढ़ती है तो अच्छे जो हम लोगों से ज्यादा वेस्टर्नाइज्ड कंट्रीज है वहां भी लोग फिर सोचते हैं कि इतने इंस्टेबिलिटी से डिक्टेटरशिप अच्छी, जैसे दीगॉल को उन्होंने बुलाया 1968 में, डिक्टेटरशिप को जनता पसंद करने लगती है। तो यह एक उसका पहलू, उसका पूरा विचार किए बगैर, छानबीन किए बगैर, रिफ्लेक्स एक्शन के नाते केवल कहना कि ये सिस्टम हमें लाभदायक नहीं तो चलो दूसरी सिस्टम उठा लो उसमें लाभ होगा, यह तात्कालिक विचार करना, यह राजनीतिक तबीयत में बैठता है, राष्ट्रनैतिक तबीयत में नहीं बैठता। वहां तो छानबीन करनी पड़ेगी, विचार करना पड़ेगा। तो राजनैतिक विचार, राष्ट्रनैतिक विचार, राजनैतिक प्रश्नों के विषय में भी अलग अलग हो सकते हैं, दृष्टिकोण अलग अलग हो सकते हैं। तो अव्यापार ऐसी व्यापार न किया जाए, इस दृष्टि से राजनैतिक प्रश्नों का विचार हम राजनैतिक दृष्टिकोण से नहीं कर रहे, लेकिन हां भारतीय मजदूर संघ यह एक राष्ट्र निर्माण कार्य का अंग है, और इस दृष्टि से राष्ट्रनीति का समग्र विचार अपने सामने रहना चाहिए, उसमें राजनीति भी एक हिस्सा है। इसी दृष्टि से केवल हम यह विचार कर रहे हैं। अब आज जब हम विचार कर रहे हैं तो पहले ये कहना उचित होगा कि इसके विषय में पिछले चुनाव के बाद तुरंत भारतीय मजदूर संघ ने अपनी प्रतिक्रिया क्या दी थी। इसका कारण बहुत लोगों की एक सस्ती आदत हुआ करती है, कुछ भी हुआ तो वो कहते थे कि ये तो हमने पहले ही कहा था, या कहते ये तो हम सोच ही रहे थे, किसी को कहा ना होगा लेकिन दिल में कहा था। ये बड़ी सस्ती आदत है, इसको अंग्रेजी में आफ्टर थॉट ऐसा कहते थे। तो होता तो है आफ्टर थॉट, कहते हैं कि भाई पहले से हम कहते ही आए, तो अभी हम कुछ कहे और फिर वो आफ्टर थॉट ही सिद्ध हो, इसके बजाय पिछले चुनाव के पश्चात बड़ौदा में हम लोग जब मिले थे उस समय तत्कालीन परिस्थिति के विषय में जो कहा गया था वो संक्षेप में मैं दोहराना चाहता हूं। उस समय पहली बात ये कही गई थी कि भाई जनता पार्टी
यह दुनिया के इतिहास में पहली ही पार्टी है, शायद आखिरी भी हो सकती है, कि जो बनने के पहले ही पावर में आ गई। बनने के पहले पावर में आना, यह जो प्रक्रिया है, संगठनात्मक ढांचा बना ही नहीं पावर में आ गई, यह जो प्रक्रिया है, यह दुनिया के पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के इतिहास में अनोखी है। इसकी क्या क्या प्रतिक्रियाएं होती है देखना पड़ेगा, यह एक बात कही थी। दूसरा कहा था कि राजनीति में, लोकतंत्र में भी पार्टियां बदलती रहती, और हम यदि किसी भी पार्टी के साथ अंग के रूप में रहेंगे, और कल यदि जनता पार्टी जाती है तो हमारा क्या होगा? कांग्रेस जाने के बाद इन तक की जो दुर्गति हुई वैसी हमारी दुर्गति होगी कि नहीं? और इस दृष्टि से जो हमेशा एक श्लोक में बताता हूं, वह बड़ौदा में भी बताया था, कहा था कि अध्यात्म के क्षेत्र में जो नियम है भगवान ने बताया, वह राजनीतिक क्षेत्र के लिए भी उतना ही लागू है। और वह नियम यह था कि त्रैविद्या माम सोमपा पूतपापा यज्ञ रिष्ट्वा स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्र लोकम अश्नन्ति दिव्यान् दिविदेव भोगान् तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति। त्रैविद्या है, अच्छे है, यज्ञ करने वाले हैं, तपश्चर्या करने वाले हैं, दौड़ धूप करते हैं, जनसेवा करते हैं, स्वर्ग में पहुंच जाते हैं तपश्चर्या के कारण। और स्वर्ग में पहुंचने के बाद वहां उनको सामने उपभोग्य वस्तुएं बहुत सी दिखती है। जैसे जैसे वो उपभोग लेना प्रारंभ करते वैसे वैसे तपश्चर्या का जो उनका पुण्य है वह क्षीण होने लगता है, और आखिरी में इतना क्षीण होता है कि कहा कि क्षीणे पुण्य, जब यह सारा पुण्य क्षीण हो जाता है तब फिर से मर्त्यलोकम विशन्ति, फिर से मृत्युलोक में आ जाते हैं स्वर्गलोक से, बैक टू द कॉन्स्टिट्यूएंसी। ऐसा कहा उस समय भी यही वाक्य कहा था, बैक टू द कॉन्स्टिट्यूएंसी, ऐसा होता है। तो इसके कारण राजनीतिक क्षेत्र में जो जय पराजय होती है उस पर बहुत ज्यादा भरोसा रखते हुए मास ऑर्गेनाइजेशंस ने अपनी पॉलिसीज तय करना, यह ठीक नहीं, यह भी बात उस समय कही गई थी। और तीसरी बात जो कही गई थी, जो आप में से सब लोगों के ख्याल में होगी जो बड़ौदा में थे, क्योंकि उस वाक्य के बारे में बड़ी चर्चा हुई, वह यह था कि जैसे हमारे इंडस्ट्रियल फील्ड में कि रिक्रूटमेंट तो हो जाती है, कंफर्मेशन नहीं होता, प्रोबेशन पीरियड रहता है, तो उस समय कहा गया था कि जनता पार्टी का पावर में रिक्रूटमेंट हुआ है लेकिन अभी प्रोबेशन में चल रही है, और प्रोबेशन में किस तरह से यह मजदूर काम करता है यह देखकर कंफर्मेशन करना ना करना मालिक तय करेगा। तो यह तीसरी बात भी बड़ौदा में कही गई थी। मैं तीनों बातें इसलिए कह रहा हूं कि आफ्टर थॉट नहीं है, इमीडिएटली आफ्टर इलेक्शन जब चारों ओर स्वागत समारोह चल रहे थे उन दिनों में, विद द स्पिरिट ऑफ द टाइम, मेल न खाने वाली ऐसी कुछ पागलपन की बातें उस समय जो कही गई थी उसको केवल मैंने संक्षिप्त में दोहराया। तो पहले से ये अपना एक अंदाजा विचार का ढंग रहा, इतना हम ख्याल में रखें। अब आज के परिस्थिति पर जब हम आते तो यह स्वीकार करते हुए भी कि जैसे पिछले बार हुआ कि लोगों ने जनता को पॉजिटिव वोट नहीं दिया, डिक्टेटरशिप के खिलाफ नेगेटिव वोट दिया, इस समय इंदिरा को पॉजिटिव वोट नहीं दिया तो अस्थिरता और बाकी बातों के खिलाफ नेगेटिव वोट इंदिरा गांधी को मिला है।
यह तो बात ठीक है, लेकिन दूसरी बात है कि इंदिरा आई और इसके विषय में तरह तरह के विचार अलग अलग क्षेत्रों में व्यक्त किए जाते हैं। जो जितना राजनीतिक होगा उतना अधिक विविध शब्दों में विचार प्रकट करता है। अब इंदिरा गांधी आई है, इसके क्या क्या मतलब निकलते हैं, इम्प्लीकेशंस क्या क्या है, यह पहले देखा जाए। पहले भी वो थी, आज भी है, किंतु जो पहले थी वही आज है क्या? सत्ता में आना है ना पावर, तो उस समय भी शी वॉज पावरफुल, टुडे ऑल्सो शी इज पावरफुल। सवाल इतना है कि डिग्री एक ही है क्या? इज शी दैट पावरफुल टुडे? अब ये एकदम सोचने वाले के ख्याल में नहीं आता। वो सोचता है भी उस समय प्राइम मिनिस्टर थी, इस समय प्राइम मिनिस्टर है, अंतर क्या है? ऐसा है कि बहुत अंतर है। साइकोलॉजिकली जनता के और जो ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट है उनके दृष्टि से बहुत अंतर आ जाता है। एक साइकोलॉजी का हम विचार करें जो उस समय थी कि एक ही दल का कांग्रेस का शासन स्वातंत्र्य प्राप्ति के पश्चात लगातार चल रहा था। इनके पिताजी ही प्रथम प्राइम मिनिस्टर के नाते सालों तक थे, बीच में थोड़ी सी इंटरवल यदि छोड़ दी तो तुरंत इनका आगमन हुआ। इसके कारण यह दल राजवंशी है और यह कुल भी राजवंशी है, इस तरह की धारणा जनमानस में थी और इन्होंने ही रहना है जब तक है तब तक, यह भी एक अनकॉन्शियस भावना लोगों के मन में थी। ये शासन चलाने के लिए ही इस परिवार का जन्म है। जैसे स्वाभाविक प्रक्रियाएं शरीर की चलती है, श्वासोच्छ्वास करना, वैसे इस परिवार की एक स्वाभाविक प्रक्रिया यानी हिंदुस्तान का शासन चलाना है, इस तरह की भावना जनमानस में थी और इसके कारण लोगों का व्यवहार भी दूसरे ढंग का था। लगातार शासन में चलते आने के कारण एक तरह की अजेयता, इनविंसिबिलिटी व्यक्ति और परिवार की है। इसके कारण एक तरह की श्रद्धा जो अजेयता के कारण निर्माण होती जनमानस में, और बाकी जो ऑर्गन्स है उनके अंदर भी एक अलग साइकोलॉजी, जैसे ब्यूरोक्रेसी, तो इन्होंने ही हमेशा के लिए रहना है यह सोचकर निश्चित होकर इनको खुश करने के लिए चाहे सो अन्याय किया जा सकता है, यदि उस अन्याय के कारण ये खुश हो जाएंगे क्योंकि आखिर जीवन भर पाला तो इन्हीं से पढ़ना है, यह सोचकर अफसर लोगों का हुआ व्यवहार। जुडिशियरी के मन में भी स्वतंत्र रूप से जजमेंट कहां तक देना जहां इनका संबंध है, इस तरह की हिचकिचाहट। प्रेस के मन में भी इसी तरह का एक प्रभाव, यह सारी बातें स्वाभाविक थी। बीच में का जो कालखंड गया है उसमें हुई बातें नलिफाई हो सकती है, स्पेशल कोर्ट बिठाए गए उनको खत्म किया जा सकता है, ये सारा होगा, लेकिन ये दल, परिवार, व्यक्ति पावर से हटाए जा सकते हैं, अजेय नहीं है, इनविंसिबल नहीं है, वंस फॉर ऑल रहने वाले नहीं है, इनको भी हटाया जा सकता है, दूसरा कोई दल आ सकता है, और दूसरा दल यदि आया तो फिर पीछे जो गलतियां हुई उनकी जांच भी हो सकती है,
और जांच में कड़ी सजा भी हो सकती है। यह सारी संभावना एक बार यदि लोगों के ख्याल में आती है तो अज्ञेयता के कारण निर्माण होने वाली जनता की साइकोलॉजी यही बदलती है, ऐसी बात नहीं। अफसरशाही की भी साइकोलॉजी बदलती है। आज भी अफसरशाही इनको खुश करने के लिए काम करेगी, ये तो सही है, लेकिन कुछ भी अन्याय किया तो भी चल सकता है, यह जो पहले भावना थी, आज उनको भी सोचना पड़ेगा कि भाई आज तो अन्याय करेंगे, पता नहीं 77 में हटाया और हटाया गया, क्योंकि दो बार हटाने का प्रयोग हुआ है, इंदिरा जी को भी हटाया गया और जनता को भी हटाया गया। ऐसी कोई वेव आ जाती है, हटाई जाती है, तो फिर हमारा क्या होगा, हम गरीब आदमी बीच में मारे जाएंगे। यह एक नया विचार जो 77 के पहले अफसरशाही के मन में नहीं था, यह विचार आ सकता है। यह विचार जुडिशियरी, प्रेस आदि के लोगों में भी आ सकता है। इसके कारण बिल्कुल निशंक होकर जिस तरह से कारोबार चलता था, उस तरह का कारोबार और चलाना इतनी मजबूत पकड़ होने में काफी समय है। ये जल्दी होने वाली बात नहीं, साइकोलॉजी में बड़ा अंतर आता है। माने व्यक्ति वही है, दल वही है, पावर वही है, पोस्ट वही है, लेकिन पावर में, पावर के दृढ़ता में अंतर है। एनालॉजी के नाते यदि बोलना हो, नेपोलियन का ये हुआ था। नेपोलियन का सार्वजनिक जीवन जब से शुरू हुआ तब से एक के बाद एक विजय ही प्राप्त करता रहा, और इसके कारण यह विजय प्राप्त करने के लिए ही इसने जन्म लिया है, ऐसी धारणा फ्रेंच लोगों के मन में थी। और इसके कारण एक बड़ी श्रद्धा एक तरह की जो इनविंसिबिलिटी के बारे में निर्माण होती है, वह श्रद्धा नेपोलियन के बारे में थी। तो ही वाज़ ए पावर, लेकिन एक बार हार हो गई, एल्वा में जाना पड़ा। अब एल्वा से वो छूट कर आए, आने के बाद जो पर्सनल चारिश्मा था वो नेपोलियन का था ही, इसके कारण बाकी सब लोगों को एल्बो आउट करते हुए पीछे खदेड़कर फिर से पावर भी हाथ में ले ली। किंतु इतिहास बताता है कि यद्यपि फिर से पावर हाथ में ले ली तो भी अजेयता का विश्वास कम होने के कारण नेपोलियन आफ्टर एल्बा वॉज नॉट द सेम पावर एज बिफोर एल्बा। जिन परिस्थितियों का मुकाबला नेपोलियन को करना पड़ा, वो परिस्थितियां यदि एल्बा में जाने का प्रसंग इनके ऊपर ना आता और एक के बाद एक विजय प्राप्त होने के पश्चात यदि वाटरलू की लड़ाई हो जाती और फिर उस लड़ाई के पश्चात यदि पीछे हटकर अपनी जो बची खुची सेना है उसको लेकर बाकी फ्रेंच राष्ट्र को आह्वान करते हुए कि मेन एंड मटेरियल सप्लाई कीजिए, तो फ्रेंच राष्ट्र ने जो प्रतिसाद दिया होता वो प्रतिसाद वाटरलू के बाद मिला नहीं। माने वो एल्बा में जाने का मौका ना आता तो हेलिना में भी, सेंट हेलिना में भी जाने का मौका ना आता, क्योंकि अजेयता पर का विश्वास जब टूट गया तब वाटरलू का सेटबैक मिलते ही जैसी सहायता पहले की अवस्था में करना लोगों के लिए स्वाभाविक था वैसी अवस्था नहीं रही। एक तो अंग्रेजों ने एक वाक्य भी उनके नाम से बनाया जो उन्होंने कहा नहीं, लेकिन अंग्रेजों ने कहा कि यही वाक्य उनके मन में आया होगा, और वो वाक्य इसलिए प्रसिद्ध एकदम हो गया कि आप सीधा पढ़िए या उल्टा पढ़िए, वाक्य एक ही आता है। वो वाक्य है कि एबल वाज आय अर आई सॉ एल्बा, ईआरई अर यानी बिफोर। आप ऐसा पढ़िए ऐसा पढ़िए, वाक्य एक ही आता है, एबल वाज आय अर आई सॉ एल्बा, एल्बा में जाने के पहले मैं ज्यादा क्षमता रखता था। तो आप ये समझ लीजिए कि नेपोलियन बिफोर एल्बा, नेपोलियन आफ्टर एल्बा, दोनों में जो अंतर है वही इंदिरा गांधी बिफोर 77 एंड इंदिरा गांधी आफ्टर 77, इसमें वही अंतर आ जाता है। तो इसके कारण पावरफुल है यह मानने के पश्चात भी
कितनी पावरफुल है इसका भी थोड़ा सा विचार करना चाहिए। हम लोगों को ज्यादा बारीकी से विचार करने की आवश्यकता है। किंतु ये तो बात है ही कि पावर है, शी विल नॉट बी दैट पावरफुल बट आफ्टर ऑल शी इज पावरफुल, ये भी बात है। पावर हाथ में आई, बीच में पराजय हुई थी, इसके कारण कुछ सबक सीखने की गुंजाइश है थी। इसके विषय में भी तरह तरह की प्रतिक्रिया हम पढ़ते हैं। अब सही उत्तर जानना तो अपने लिए इसलिए कठिन है कि ना हम राजनीति में हैं, ना इंदिरा जी से कोई ऐसा पर्सनल कांटेक्ट है। वैसे तो जिनका पर्सनल कांटेक्ट रहा वो लोग बड़े दुखी, उनमें से कुछ लोगों से बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि शी इज अनप्रेडिक्टेबल। तो पर्सनल कांटेक्ट भी उनके साथ होता तो हम कहां तक अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि सीधे सरल आदमी होने के कारण ये भी एक संदेह की बात है। लेकिन पर्सनल कांटेक्ट भी नहीं, राजनीतिक टेम्परामेंट भी नहीं, इसके कारण ये कहना तो हमारे लिए बहुत ही कठिन है कि आफ्टर ऑल वो क्या करेगी, ये कहना कठिन। तो सबक सीखेगी या नहीं सीखेगी, तो जहां तक इच्छा आकांक्षा विचार की पद्धति है, इसमें अब इतने बड़े हुए उम्र में फर्क होना बड़ा कठिन हो जाता है, ऐसा सर्वसाधारण अनुभव है। सर्वसाधारण एक उम्र के बाद और जीवन भर जो आकांक्षाएं धारण की है उनमें परिवर्तन लाना बड़ा कठिन होता है। कोई योगी पुरुष कर सकते हैं, लेकिन जो कर सकते हैं ऐसे योगी पुरुष पॉलिटिक्स में आते नहीं, और जो आते हैं वो योगी रहते नहीं, ऐसा दिखता है, थोड़े राजर्षियों का अपवाद छोड़कर। आदतों के बारे में किसने ये कहा है कि कैसी दृढ़ बनती, तो कहा कि सो ए थॉट एंड रीप एन एक्शन, सो ए थॉट रीप एन एक्शन, सो एन एक्शन एंड रीप ए हैबिट, ग्रो ए हैबिट एंड रीप ए कैरेक्टर, ग्रो ए कैरेक्टर एंड रीप ए डिस्ट्रिक्ट। तो बलवान होती है आदत होती है जो कैरेक्टर बन जाता है। अब क्रिकेटर बनकर मैं रही इतने सालों तक खेलने के पश्चात एकदम संन्यास वृत्ति आ जाएगी, पद्म पत्र मुलाम रखने जैसा व्यवहार करना चाहिए ऐसा सोचेगी, यह तो संभव नहीं। एक्स्ट्रा डिग्री हो सकती है तो मन की इच्छा आकांक्षाएं एकदम बदल जाएगी। तो ये जो हम सोच रहे हैं कि भाई क्या सबक सीख सकती है, तो मुझे लगता है कि जहां तक ये बड़ा सबक है ये आकांक्षा नहीं रखनी चाहिए। लेकिन दूसरा सबक सीखने की संभावना है कि ये जो अपनी आकांक्षा थी ये आकांक्षा पिछले बार पूरी नहीं हुई, तो किन गलतियों के कारण पूरी नहीं हुई, उन गलतियों को फिर से दोहराया न जाए और इस समय इस तरह की व्यूहरचना की जाए कि आगे बढ़कर पीछे हटने का मौका जैसा पिछले बार आया वैसा दोबारा न आए, इस तरह का विचार मन में आने की संभावना है। क्योंकि कॉमन सेंस के लिए तो वो बहुत प्रसिद्ध है, व्यक्तिगत संबंध न होते हुए भी सब लोग जानते हैं कि उसका कॉमन सेंस भी काफी अच्छा है,
बाकी भी कई अच्छे गुण उनके अंदर है, तो यह तो आ सकता है। और जो पिछले गलतियों का विचार होता है तो सबके मन में जो थोड़ा बहुत भी बुद्धिमान है एक बात आएगी कि उस समय भी और कभी भी जल्दबाजी से काम में गड़बड़ हो जाती है। जब यह तानाशाही शुरू हुई और फिर हमारे कुछ साथी कहने लगे कि भाई ये कहां तक अब दमन चक्र चलाएगी, क्या करेगी, पता ही नहीं चलता, तो हमको एक वाक्य स्मरण हुआ। हिटलर की सेना रूस में घुस गई थी, मॉस्को से 60 मील दूर पर उन्होंने कैंप लगाया था, तो उस समय एक रिपोर्ट आई थी कि स्टालिन वैसे तो बहुत कम लोगों से मिलता था और पब्लिक स्टेटमेंट तो कम देता था, इसी के कारण ज्यादा पावरफुल था। तो भी करेस्पॉन्डेंट्स ने उनकी जब मुलाकात ली तो एक करेस्पॉन्डेंट ने उनको पूछा कि आप तो आज इन दिनों में बहुत फिक्र में होगे, तो स्टालिन ने कहा कि मैं फिक्र में नहीं, बिकॉज हिटलर नोज हाउ टू एडवांस बट ही डजंट नो वेयर टू स्टॉप, इसके कारण मैं चिंता नहीं कर रहा। एक मन में बात आ गई, स्मरण हो गया। इसका अनुभव पिछले इमरजेंसी के समय हुआ है। शी नोज हाउ टू एडवांस, शी डजंट नो हाउ टू स्टॉप, और इसके कारण कुछ जल्दबाजी भी हो गई और यह जल्दबाजी अपने लिए पेइंग नहीं रही। यह समझने के लिए आवश्यक बुद्धिमानी अवश्य है। वैसे भी जो अपने हाथ में ज्यादा देर तक अधिकतम सत्ता का केंद्रीकरण करना चाहता है वो जल्दबाजी नहीं करता, धीरे धीरे अपनी सत्ता कंसोलिडेट करते जाता है। पांडवों के इतिहास में एक घटना आती है कि पांडव वनवास में, अभी अभी वनवास उनका शुरू हुआ, वनवास में गए तो भी आखिर राज्य प्राप्त करना है यह तो था ही, और इस दृष्टि से उन्होंने अपने कुछ गुप्तचर दुर्योधन के राज्य में रखे, वो बीच में आकर रिपोर्ट देते थे। तो प्रसंग ऐसा आता है कि ये पांचों पांडव, द्रौपदी बैठी है, गुप्तचर आया है, वह रिपोर्ट दे रहा है, तो उसमें आता है कि एक एक प्रश्न ये पूछते हैं, वो एक एक का उत्तर देता है। तो कुल मिलाकर उसमें आता है कि दुर्योधन की लोकप्रियता बहुत बढ़ रही है, वो सब लोगों से मिलता है, जो बड़े शक्ति संपन्न ऐसे लोग हैं उनके साथ व्यक्तिगत संबंध भी उसने प्रस्थापित किए, धनी लोगों के साथ व्यक्तिगत संबंध प्रस्थापित किए, सर्वसामान्य व्यक्ति के भी साथ उसके संपर्क है, जो शासन चल रहा है वह भी निष्पक्ष चल रहा है, जनता प्रसन्न है। उन दिनों में गुप्तचर जो सत्य होगा वही रिपोर्ट देते थे, सुनने वाले को कैसा लगेगा यह सोचकर रिपोर्टिंग नहीं होता था, तो इसलिए उसने रिपोर्टिंग कर दी कि ये लोकप्रियता इसकी बढ़ रही, शक्ति इसकी बढ़ रही। तो उसमें आता है कि यह जैसे ही सुना तो द्रौपदी एकदम नाराज हो गई युधिष्ठिर पर, कहा कि बस तुम्हारी नीतियों का यह परिणाम है, हम पहले से कह रहे थे, तुमने एकदम भोलापन ले लिया, इसका अब यह नतीजा हो रहा,
अब तो ये दृढ़मूल हो रहा है, अब इसको उखाड़ना बहुत कठिन होगा, ये सारी चीजें उल्टी हो रही। फिर जैसा है भीम भी गुस्सा हो जाता है, हर परिवार में जैसे हर संस्था में, अपने भारतीय मजदूर संघ में भी अलग अलग टेम्परामेंट के लोग हुआ ही करते हैं। तो ये सारे गुस्सा वगैरह प्रकट होने के पश्चात युधिष्ठिर ने जो उत्तर दिया वो अच्छा था। उसने कहा कि इतना अधीर होने की आवश्यकता क्या है, ये जो कह रहा वो सारा सच होगा, वो लोकप्रिय बन गया होगा, उसने अपना व्यवहार का तरीका बदल दिया होगा, ये सब ठीक है, लेकिन यह तात्कालिक है। जो प्रकृति है, स्वभाव है, वह बदलने वाला नहीं। एक स्ट्रैटेजी के नाते, आवश्यकता के नाते उसने यह परिवर्तन किया, लेकिन जैसे उसको दिखेगा कि अपनी पावर कंसोलिडेट हो रही है, अब यह सारा करने की आवश्यकता नहीं है, तो अपने मूल प्रकृति पर वो आ जाएगा, और जैसे मूल प्रकृति पर आ जाएगा वैसे फिर सारी चीजें भी बदलने लगेगी, असंतोष भी भड़कने लगेगा। इस तरह का एक विचार उस समय युधिष्ठिर ने दिया। किंतु पावर कंसोलिडेट होते तक और जल्दबाजी न करना, यह सर्वसाधारण सभी डिक्टेटर्स के बारे में लगभग है, कम से कम वेस्टर्न डिक्टेटर्स के बारे में तो है। ये जो अफ्रीकन वगैरह है ये तो ज्यादा सिविलाइज नहीं, किंतु वेस्टर्न कंट्रीज में जहां जहां डिक्टेटरशिप्स आई है वहां वहां जल्दबाजी नहीं हुई, धीरे धीरे पावर कंसोलिडेट करने का प्रयास हुआ। उसके बाद फिर तानाशाही का नंगा नृत्य शुरू हुआ, ऐसा हर जगह दिखाई देता है। अब वो पावर कंसोलिडेट करने के दृष्टि से यदि हम देखें तो दो बातें ख्याल में आती हैं, परिस्थितियों की अनुकूलता हो और अंतर्गत जो दल का ढांचा है वह भी ठीक रहे, अंतर्गत भी पावर कंसोलिडेट हो, बाहर की परिस्थिति भी अनुकूल रहे। अब इस दृष्टि से क्या क्या बारीकियां है आप और हम क्या जान सकते हैं, जो राजनीति में है वो भी तो पूरी जानकारी नहीं रखते, तो यहां बैठकर हम बाहर के लोग कहे कि सब जानते, सब बारीकियां हम जानते हैं, यह तो गलत होगा। लेकिन सर्वसाधारण इतना तो रास्ते का आदमी भी समझता है, और रास्ते का कॉमन मैन जितनी अकल रखता है उतनी अकल रखने में हमारे लिए कोई तकलीफ नहीं, तो वो समझता है कि भी जिस ढंग से चुनाव जीता गया है तो चुनाव जीतने का ढंग एक है, उसको रिटेन करने का ढंग वही हो नहीं सकता, क्योंकि चुनाव जीतने के लिए यह बात स्पष्ट है कि तरह तरह के लोगों को इकट्ठा करना पड़ा, अलग अलग लोगों को अलग अलग आश्वासन देकर इकट्ठा करना संभव था। केवल पैसा देकर सब बातें होती है ऐसा नहीं है, मनुष्य स्वभाव में पैसे के लिए जैसा आकर्षण है अन्य चीजों के लिए भी आकर्षण है, पद के लिए भी आकर्षण है। तरह तरह के लोग तरह तरह की इच्छा लेकर, आश्वासन पाकर या आश्वासन न पाते हुए भी इच्छा लेकर और माता जी के पास पहुंचे होंगे, और इस तरह का यह एक भानुमति का कुंभा है, यह ऑर्गेनिक ग्रोथ नहीं है, संगठन नहीं है, तो यह भानुमति का कुंभा है, यह मार्केट की भीड़ है, खरीदने के लिए इकट्ठा हुई है, इतना तो सभी समझते हैं। इसमें कोई इतना कहने में हम बहुत ज्यादा बुद्धिमानी का नहीं परिचय दे रहे, कॉमन मैन भी यह चीजें समझता है। और मेरी तो जब कभी इधर उधर बातचीत होती है तो मुझे यह भी पता है कि कॉमन मैन दूसरी भी बात जानता है कि कोई भी पार्टी शासन में आए लेकिन भोजन गृह में
थालियां सीमित है और थालियों पर बैठने वालों की संख्या असीम है। यहां तो और भी भीड़ बढ़ गई, तो यह भी सब जानते हैं। फिशेस एंड लोज जिसको कहते हैं वो कम है, सीमित संख्या में, लेकिन उनकी वांछा रखने वालों की संख्या उससे बहुत ज्यादा है। और ऐसे परिस्थिति में एकदम कोई बड़ा विद्रोह होगा ऐसी बात नहीं, तो भी आज की जो एक अपेरेंट सॉलिडरिटी ऐसी दिखाई देती है वह रहना ज्यादा देर तक संभव नहीं है। किंतु हाँ, इसके कारण कोई खतरा भी नहीं है, कोई बड़ा चिंताजनक ऐसा भी विषय आज नहीं है, लेकिन इतना होगा यह तो एक सोचा जा सकता है। अब ऐसा यदि होता है तो उस परिस्थिति में पार्टी मशीनरी जो कुछ भी होगी, मशीनरी है या नहीं इसका पता नहीं, लेकिन मशीनरी या मशीनरी के समकक्ष जो ही व्यवस्था होगी उसको ठीक रखना, उस पर बराबर पकड़ रखना, इस दृष्टि से काम करते रहना ये कोई सरल काम नहीं। दूसरी एक कठिनाई है, और यह दूसरी कठिनाई और जो सबसे बड़ी कठिनाई, कोई भी पार्टी पावर में आती तो उसके लिए वो रहते, इंदिरा जी आई इसलिए है ऐसा नहीं, जनता भी आती, लोकदल भी आता, कोई भी आता तो भी उसके लिए यह कठिनाई थी। और बहुत ही जिसको इनसरमाउंटेबल तो नहीं, लेकिन लगभग इस तरह की यह कठिनाई यह आर्थिक क्षेत्र की, उसका बहुत विश्लेषण करने की आवश्यकता मैं यह नहीं समझता। किंतु कोई भी पार्टी पावर में आती तो भी हिंदुस्तान को आर्थिक दृष्टि से ठीक रखना उनके लिए बहुत कठिन था। अब इसका मुकाबला कहां तक कर सकेगी यह एक दूसरा सवाल है। ये जो सारी चीजें हैं इनके बारे में प्रत्यक्ष डायरेक्ट व्यक्तिगत पर्सनल जानकारी न होने के कारण, यह जानकारी नहीं तो भी इन या इस तरह की कठिनाइयों का मुकाबला पर्सन इन पावर किस ढंग से कर सकेगा यह इस पर भी अवलंबित है कि क्वालिटी ऑफ डिक्टेटरशिप क्या है। अब आपको यह लगेगा कि भाई इसका क्या सवाल है, डिक्टेटर इज डिक्टेटर, एक बार डिक्टेटर बन गया तो सब समान ही है, ऑल पावरफुल है, ऑल माइटी है, इसमें क्वालिटी ऑफ डिक्टेटर का सवाल कहां था। सत्ता का केंद्रीकरण तो हो ही चुका है, ऐसा नहीं, सत्ता का केंद्रीकरण होने के बाद भी क्वालिटी ऑफ डिक्टेटरशिप में फर्क रहता है। कॉमन पार्लेंस में दो शब्द चलते हैं, पर्सनल डिक्टेटरशिप, आइडियोलॉजिकल डिक्टेटरशिप, कॉमन पार्लेंस में ऐसा चलता है। कम्युनिस्ट पार्टी की डिक्टेटरशिप आई तो उसको आइडियोलॉजिकल डिक्टेटरशिप कहा गया, फासिस्ट और नाजी डिक्टेटरशिप आई उसको आइडियोलॉजिकल डिक्टेटरशिप कहा गया, क्योंकि एक आइडियोलॉजिकल लेकर एक पार्टी खड़ी हुई थी, संगठन खड़ा हुआ था, उनके आइडियोलॉजी में जो कुछ भी बातें हैं उसको कार्यान्वित करने का उनका विचार था, अंतिम लक्ष्य जो है उसको नजदीक लाने के दृष्टि से पावर का उपयोग करना है, इसलिए पावर लेना है, माने पावर यह साध्य नहीं है तो पावर यह साधन है, और साध्य कुछ होगा तो उसके सामने और कोई लॉन्ग रेंज विजन अपने पास है। यह फासिस्ट नाजी कम्युनिस्ट सबके बारे में सही था, यह आइडियोलॉजिकल डिक्टेटरशिप। लेकिन जहां आइडियोलॉजी कुछ नहीं, पावर में रहना, पावर इज द बी ऑल एंड एंड ऑल,
और व्यक्तिगत पावर, ऐसी जहां परिस्थिति है वहां पर्सनल डिक्टेटरशिप कहा जाता है। और पर्सनल डिक्टेटरशिप के अंतर्गत पर्सनल डिक्टेटर के बारे में लोगों के मन में निर्माण होने वाली श्रद्धा का प्रकार और आइडियोलॉजिकल डिक्टेटरशिप के अंतर्गत आइडियोलॉजिकल डिक्टेटर के बारे में लोगों के मन में निर्माण होने वाले श्रद्धा का प्रकार, ये अलग अलग, दोनों की भावनाएं समान नहीं। तो यह जो इसके कारण क्या अंतर आता है, इसका भी विचार बारीकी से करने की आवश्यकता है। फिर दूसरी बात कि डिक्टेटर तो है, सारी पावर्स कॉन्स्टिट्यूशनली उनके पास है, कर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ है, ऐसी स्थिति है। लेकिन जो पावर हाथ में आती है उसका उपयोग करने की ताकत कितनी है? शिवाजी की भवानी तलवार है, अब तलवार शिवाजी के हाथ में बड़ा अच्छा काम करती थी, ये आपके और हमारे हाथ में आई तो शायद हम एक बार उसको घुमाएंगे तो अपनी उंगली काट डालेंगे। तो तलवार हाथ में है उसी लिए उसका सारा प्रभाव दिखाई देगा, ऐसा नहीं है। तो स्ट्रेंथ ऑफ डिक्टेटर क्या है, इस पर भी अवलंबित होता है। आप कहेंगे कि भाई इसमें क्या बात है, स्ट्रेंथ ऑफ डिक्टेटर क्या है? इंदिरा जी को यह कहा गया और ये बात मानने में कोई आपत्ति नहीं कि राजनीतिक क्षेत्र का यदि अकेला विचार किया तो उनको स्ट्रांग मैन ऐसी संज्ञा दी गई, स्ट्रांग मैन, बिल्कुल सही बात है। तो फिर स्ट्रेंथ का विचार क्या करना है? नहीं, स्ट्रेंथ का विचार इसलिए करना है कि अन्य अन्य पॉलिसीज पर उसका असर होता है। स्ट्रेंथ कितनी है इस बात का असर अन्य अन्य पॉलिसीज पर होता है, इंप्लीमेंटेशन पर होता है। अब उदाहरण के रूप में हम यह ले, मैंने कहा कि इकोनॉमिक फील्ड यह सबसे कठिन फील्ड। अब बहुत डिक्टेटरशिप भी रही, स्ट्रांग रही, लेकिन कीमतें बढ़ रही है, शॉर्टेजेस है, असंतोष भड़केगा, लोग करेंगे कुछ नहीं करेंगे ये बात नहीं, असंतोष भड़केगा ये बात निश्चित है। तो डिक्टेटर के लिए भी इस परिस्थिति को काबू में लाना तो अनिवार्य है। कोई डिक्टेटर ये नहीं कह सकता कि प्राइसेस कितनी भी बढ़ती रहे, शॉर्टेजेस कितनी भी रहे, लोग भूखे रहे, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती रहे, हमें क्या करना है, मेरे हाथ में पावर है इसलिए अब कोई चिंता की बात नहीं, ऐसा डिक्टेटर कोई नहीं कह सकता। अब स्ट्रेंथ ऑफ डिक्टेटर का असर इकोनॉमिक पॉलिसीज पर बहुत होता है, इंटरनली एक्सटर्नली। आप कहेंगे भाई इकोनॉमिक पॉलिसी से इसका क्या संबंध है? संबंध है। स्ट्रेंथ ऑफ डिक्टेटर से मेरा मतलब क्या है कि जो निर्भय है, किसी भी तरह का भय नहीं, इसके कारण निश्चिंत है, निश्चिंत होकर एक एक कदम आगे बढ़ रहा है। अंदर की जनता क्या कहेगी, बाहर की दुनिया क्या कहेगी, इसकी फिक्र नहीं। वह एक, और जो जनता पर केवल निगरानी रखता है, सीआईडी डिपार्टमेंट अपना अच्छा रखता है, ऐसा ही नहीं, तो समय समय पर भीति से ग्रस्त हो जाता है अंतर्गत असंतोष के कारण, और बाहर की दुनिया में, दुनिया मेरे बारे में क्या सोचती है यह भी किसको देखना पड़ता है, वो एक अलग ढंग है। अब अंतर्गत तो सशक्त होना संभव है, क्योंकि जहां तक स्ट्रेंथ का सवाल है, इंदिरा जी के बारे में कोई शक करने की आवश्यकता नहीं, शी इज क्वाइट स्ट्रांग, इसमें कोई शक नहीं। तो दमन करना है, कुचलना है,
वो करेक्ट कर सकती है। और इस दृष्टि से जिसने डिक्टेटर बनना नहीं, फिर से चुनाव जिसने लड़ना है, ऐसे पार्टी और व्यक्ति की जो दुर्बलता है उस दुर्बलता से वो अपने को मुक्त कर सकती है अंतर्गत कारोबार की दृष्टि से। डेमोक्रेसी में कोई भी पार्टी चुनकर आए, इंक्लूडिंग CPM, कोई भी पार्टी चुनकर आए, एक दुर्बलता पार्टी में जरूर रहती है, क्योंकि चुनाव का जो पूरा ढांचा है वो बहुत खर्चीला है। इतना खर्चीला है कि बगैर पैसे से कोई जीत नहीं सकता, और पैसा आएगा कहां से? जिनके पास पैसा है उन्हीं से पैसा आएगा, और उनसे पैसा आता है तो फिर उनका ऑब्लिगेशन भी आ जाता है, और ऑब्लिगेशन आने के बाद वो ऐसा नहीं है कि पिछले चुनाव का अभी ऑब्लिगेशन है तो क्या फिक्र करने की आवश्यकता नहीं, आगे चलकर तो हम डिक्टेटरशिप ही लाएंगे, ऐसा जो सोचते हैं वो फिक्र नहीं करेंगे। जिसने आगे का चुनाव लड़ना है उसको ये भी देखना पड़ता है कि पिछले चुनाव के समय पैसा लेना पड़ा कैपिटलिस्टों से, अगला भी तो चुनाव आ रहा है फिर से इन्हीं से पैसा लेना है, ये गरीब मजदूर कहां से पैसा देंगे? तो इस दृष्टि से फिर उनको नाराज करके कोई चल नहीं सकता। और इसी दृष्टि से आप देखेंगे कि चाहे जो मैनिफेस्टो में लिखा हुआ हो, लेकिन कोई भी सोशलिस्ट, एक्स्ट्रा सोशलिस्ट, कोई भी पार्टी हो, ड्रास्टिक एक्शन नहीं ले सकती। लेकिन हाँ, जिसने फिर से चुनाव लाना ही नहीं, दैट पर्सन कैन अफोर्ड एनी ड्रास्टिक एक्शन। इस दृष्टि से अंतर्गत जो एक कंपल्शन आता है जिसका इकोनॉमी पर असर होता है, क्योंकि पैसे वालों का ऑब्लिगेशन मानने के बाद फिर सारी पॉलिसी पैसे वाले के अनुकूल रखनी पड़ती है, और इस दृष्टि से कॉमन मैन की पूरी फिक्र करना संभव नहीं होता। यह जो एक कंपल्शन है, वह कंपल्शन तो डिक्टेटर होने वाले व्यक्ति के लिए नहीं, इससे वह व्यक्ति मुक्त है, तो इसे इंदिरा जी मुक्त हो सकती है। सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन वगैरह यह रखने का उनका कितना अभ्यास है अपने को पता नहीं, लेकिन सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन भूल जाना यह कोई मनुष्य के प्रकृति में एकदम नहीं, ऐसा नहीं है, लोग भूल भी सकते हैं, तो यह हो सकता है। लेकिन दूसरी बात कि स्ट्रांग डिक्टेटर जो होता है वो जैसे अंतर्गत जनमानस की फिक्र नहीं करता, सोचता है कि दबाकर मैं ले चलूंगा, वैसे वर्ल्ड ओपिनियन की भी फिक्र नहीं करता, दुनिया वाले मेरे बारे में क्या सोचते होंगे इसकी भी फिक्र नहीं करता। जिस समय माओ ने तिब्बत हड़प लिया कितना शोरगुल मच गया, फिक्र नहीं की। जिस समय स्टालिन ने अपनी सेनाएं ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में डाली, वेस्टर्न डेमोक्रेसी ने कितना उसके बारे में कहा था, कुछ फिक्र नहीं की, चिल्लाते रहो। जिस समय मुसोलिनी ने और कहा कि मेडिटेरेनियन इज इटालियन लेक, ये सबको ऑफेंड करने वाला वाक्य था, भूमध्य समुद्र को कहा जाए कि ये तो हमारा सरोवर है, लेकिन हिम्मत के साथ कहा, यह फिक्र नहीं की कि यूनाइटेड नेशंस में इसके बारे में क्या क्या भाषण होगी। हिम्मत के साथ सारी बातें की, तो वर्ल्ड ओपिनियन की फिक्र न करते हुए चलना, यह भी एक स्ट्रेंथ है, और यह यदि न रही और वर्ल्ड ओपिनियन के बारे में चिंता करने की यदि आवश्यकता या प्रवृत्ति रही, तो फिर स्ट्रांग डिक्टेटरशिप लाने में कई कठिनाइयां। अब आर्थिक क्षेत्र का जहां हम विचार कर रहे हैं, आज तो यह स्पष्ट दिखाई देता है कि आर्थिक क्षेत्र में यदि सुधार लाना है तो इतने ड्रास्टिक एक्शन तुरंत लेना पड़ेगा, जो ड्रास्टिक एक्शन एंटी रिच प्रो पुअर होगी, कि इस तरह की यदि ड्रास्टिक एक्शन नहीं आती तो सुधार हो नहीं सकता।
वैसे ही यदि इस तरह की ड्रास्टिक एक्शन नहीं ले सकते और इकोनॉमी को तो संभालना है जैसे वैसे, तो इतने दिन तक जो किया वो करना पड़ेगा, वो माने फॉरेन लोन के भरोसे या फॉरेन पैसे के भरोसे अपने इकोनॉमी को चलाते रहना। ये आप समझ लीजिए कि ड्रास्टिक एक्शन इस तरह की लेना इस सरकार के लिए तुरंत संभव नहीं, पावर कंसोलिडेट नहीं हुई इसके कारण भी संभव नहीं, प्रवृत्तियों के कारण भी संभव नहीं, व्यक्तिगत ताल्लुकात के कारण भी संभव नहीं। इमीडिएटली इस तरह की कोई ड्रास्टिक इकोनॉमिक एक्शन लेना इस सरकार के लिए संभव नहीं, और संकट इमीडिएट, आगे क्या एक्शन लेंगे नहीं लेंगे उसको टाइम, संकट इमीडिएट, और संकट यदि इमीडिएट है तो फिर फॉरेन डिपेंडेंस यह अनिवार्य है। लेकिन यदि फॉरेन डिपेंडेंस रहता है तो संकट कभी दूर नहीं हो सकता, पैचवर्क हो सकता है। आज का दिन आया जैसे वैसे दो समय रोटी खाली इतना हो सकता है, इकोनॉमिक कंडीशन में कोई स्थायी इलाज इससे नहीं निकल सकता, पर्याप्त आज भी नहीं निकल सकता। तो वर्ल्ड ओपिनियन की जिन्होंने फिक्र करनी है उनके ऊपर आर्थिक क्षेत्र में कंपल्शंस आ जाते हैं। कंपल्शंस कैसे आते हैं? अब जो फिक्र नहीं करते उनका व्यवहार क्या होता है? डिक्टेटर के नाते हिटलर का नाम ज्यादा प्रसिद्ध है, इसलिए उसी का उदाहरण मैं दे रहा हूं। हिटलर ने जब सत्ता हाथ में ली, देश गरीब था, प्रोडक्शन वगैरह कुछ नहीं था, इंडस्ट्रीज नहीं थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन करना था, उसने जगह जगह से पैसा लिया, ब्रिटिश कैपिटलिस्टों से भी लिया, और ब्रिटिश कैपिटलिस्टों को बताया कि भाई हमारे ऊपर जो कर्जा है वो हम वापस करेंगे या नहीं करेंगे, आपको चाहिए या नहीं चाहिए वो कर्जा। तो ब्रिटेन को कर्जा तो वापस चाहिए था, तो वो कर्जा देंगे कहां से, पैसा ही नहीं। तो वो कर्जा हम आपका कर्जा वापस कर सके इतनी हमारी क्षमता बढ़ाने में आप सहायता कीजिए, तो आपका पैसा हमको दीजिए, उसके द्वारा हम अपनी इंडस्ट्रीज खड़ी करेंगे, इंडस्ट्री जैसी जैसी खड़ी होगी वैसे वैसे हम आपको आपका पैसा वापस करेंगे। लालच में आकर पैसा दे दिया, इधर इंडस्ट्रीज खड़ी हो गई, और बाद में दुनिया क्या कहेगी इसकी फिक्र न करते हुए हिटलर ने कहा कि भी हम तो इंसॉल्वेंट है, नादार है, पैसा नहीं दे सकते, आपका पैसा डूब गया। अब ये कहने के लिए हिम्मत चाहिए। अब हमारी इकोनॉमी के दृष्टि से भी विचार किया तो क्या यही हिम्मत होगी कि जो फॉरेन डेट है उसको एकदम हिटलर के उस स्टेज पर नहीं गए तो भी सब कुछ दो चार साल के लिए मोरेटोरियम डिक्लेयर कर दिया, हिम्मत की बात। जो फॉरेन कोलैबोरेशन एग्रीमेंट्स है इनमें रिस्ट्रिक्टिव क्लॉजेस है जो हमारी इकोनॉमी के खिलाफ जाने वाले, ये रिस्ट्रिक्टिव क्लॉजेस सब डिलीट करने के लिए बाध्य करना, नहीं तो तुम्हारा कारोबार नहीं चलने देंगे, ऐसा फॉरेन कंसर्न्स को कहने की हिम्मत है। जो फॉरेन बैंक्स यहां है उनका सीधे राष्ट्रीयकरण कर लेना, क्या रिपरकशन उनके उनके देशों में हो गए कोई देखने की आवश्यकता नहीं, क्या इतनी हिम्मत है। जो मल्टीनेशनल्स यहां है उनको यह कहना कि ऑन अवर टर्म्स तुम्हारे हमारे एग्रीमेंट हो गए, यहां यदि आपने उद्योग चलाना है, व्यापार चलाना है, ऑन अवर टर्म्स चलाना पड़ेगा, इस तरह डिक्टेट करने का साहस है। यह साहस उन लोगों में नहीं हो सकता जिन लोगों को उनके लोन के भरोसे ही अपनी इकोनॉमी को संवारना है और वर्ल्ड ओपिनियन की फिक्र करना है। वर्ल्ड ओपिनियन की फिक्र न करने की स्ट्रेंथ यदि रही तो कई बातें हो सकती है डिक्टेटर के लिए, ये बातें अच्छी है ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, कई बातें डिक्टेटर कर सकता है, लेकिन वर्ल्ड ओपिनियन की फिक्र करना है ऐसा यदि सोचा तो इनमें से एक भी बात हो नहीं सकती, और ये बात यदि नहीं हो सकती तो हमारी इकोनॉमी भी उसमें भी सुधार नहीं हो सकता, तो आर्थिक संकट जो है वो निरंतर बढ़ता हुआ ऐसा रहेगा। यह एक असर वर्ल्ड ओपिनियन की फिक्र करने के कारण निर्माण होता है।
इसीलिए जो बड़े डिक्टेटर्स हो गए, स्ट्रांग डिक्टेटर्स हो गए, उन सब का एक कैरेक्टरिस्टिक आप देखेंगे, चाहे लेनिन रहे, स्टालिन रहे, चाहे फ्रैंको रहे, सालाजार रहे, या चाहे इधर माओ रहे या केमाल पाशा रहे, हर एक का आप देखेंगे दे डिडंट केयर फॉर वर्ल्ड ओपिनियन। हाँ, उन्होंने मिलिट्री स्ट्रैटेजी का जरूर विचार किया होगा, वर्ल्ड ओपिनियन की फिक्र नहीं की। वर्ल्ड ओपिनियन की फिक्र करने की प्रवृत्ति रही तो उसके कारण होम अफेयर्स में भी गड़बड़ आ जाती है। अभी थोड़ा सा आपको लगेगा कि भाई इसका संबंध क्या है, इन्होंने तो अपना घर संभालना है, उसका वर्ल्ड से क्या संबंध आता है। ऐसा वर्ल्ड ओपिनियन की फिक्र करना इसका मतलब यह है कि जिनको यह इच्छा है कि इधर तो हम डिक्टेटरशिप चलाए लेकिन हमारी इमेज अच्छी रहे, क्योंकि आखिर डिक्टेटर की इमेज अच्छी तो नहीं होती, तो दुनिया में तो हमारी इमेज अच्छी रहे ऐसा जो सोचते हैं उनके व्यवहार पर भी कुछ नियंत्रण आ जाता है। नियंत्रण कैसे आता है कि भी हम डेमोक्रेटिक है, यह एक फसाद, यह एक नाटक, वो चलाना ही पड़ता है नहीं तो वर्ल्ड इमेज बिगड़ जाएगी। और यदि एक बार अपीयरेंस ऑफ डेमोक्रेटिक सेटअप देते रहना आवश्यक है ऐसा यदि सोचा तो उसके कारण कई नियंत्रण, कई कंपल्शंस चलाने वाले डिक्टेटर पर आ जाते हैं। अब लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, विरोधी दलों के साथ व्यवहार है, तरह तरह के कंपल्शंस है। लोग राजनीतिक क्षेत्र में बड़ा ग्रॉस थिंकिंग करते हैं ऐसा मुझे लगता है। अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ, अब अन्याय अत्याचार कॉमन शब्द है, उसका आप चाहे तो अर्थ निकाले, मेरे से जबरदस्ती से 5 रुपए ले लिए ये भी अन्याय अत्याचार है, और मेरे घर को अंगार लगा दी ये भी अन्याय अत्याचार है, डिग्री में कोई अंतर है कि नहीं, डिग्री में अंतर। अब स्टालिन और माओ और हिटलर ने भी लोगों के खिलाफ हथियार उठाया, अंग्रेज सरकार ने भी उठाया, दोनों में अंतर था कि नहीं, अंतर था। लुई फिशर ने एक चर्चा में, योगी और कॉमिसार इस चर्चा में, उन्होंने एक बड़ा अच्छा कहा, उन्होंने कहा कि महात्मा जी ने आंदोलन चलाए तो ठीक है और अंग्रेज अन्याय और अत्याचार कर रहे यह भी ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा कि रशिया में यदि महात्मा जी होते तो रशिया भी अन्याय करता, यह आंदोलन चलाते यहां तक ठीक है, लेकिन रशियन साम्राज्य यदि यहां होता और महात्मा जी यदि आंदोलन चलाते तो आज जो दृश्य दिखता है कि आंदोलन चलाने वाला उसको जेल में से निकालकर लॉर्ड इरविन वाइसराय के पास लाया जाता है और बराबरी के नाते निगोशिएशंस चलते हैं, यह दृश्य न दिखता, फिर से लॉर्ड अरविंद के पास बराबरी के नाते बातचीत करने के लिए उनको जिंदा ही न रखा जाता, तो रूस में जैसे हुआ है वैसे इनको वही कत्ल किया जाता, तो अन्याय अत्याचार है लेकिन दोनों में फर्क है, इस तरह का एक थोड़ा सा विश्लेषण योगी और कॉमिसार में लुई फिशर ने किया। लोगों को एकदम खत्म कर देना और बाहर की दुनिया हमें एकदम ऐसा न कहे कि डिक्टेटरशिप का नंगा नृत्य चल रहा है, इसलिए फसाद ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का एक नाटक मेंटेन करने की कोशिश करना, इसके कारण कई बंधन आ जाते हैं। अब जो वर्ल्ड ओपिनियन की फिक्र नहीं करेगा वो अपने देश को चाहे जैसा मैनेज कर लेगा, उसकी एक हिम्मत अलग होती है। जू के ऊपर जो अत्याचार हुए हम सब उसकी निंदा करते हैं, लेकिन अत्याचार हुए तो उन्होंने फिक्र नहीं की कि अमेरिका में क्या होगा, क्योंकि जू ये ऐसी कम्युनिटी है जो दुनिया के सभी सिविलाइज कंट्रीज में बलवान है, स्ट्रेटेजिक पोजिशन पर बैठी हुई है। अब उनको यदि हम इस तरह से व्यवहार देते हैं तो इसके कारण अलग अलग देशों में हमारे बारे में रिएक्शन खराब होगी, यह यदि प्रभावी विचार होता तो इस तरह का जू के साथ व्यवहार को न कर सकते, माने जो व्यवहार किया वो गलत ही किया है, हम उसका समर्थन नहीं कर रहे, उसकी निंदा कर रहे, लेकिन इस तरह का व्यवहार करने की एक दृढ़ता उनके अंदर इसके कारण है कि दे नेवर केयर फॉर वर्ल्ड ओपिनियन।
उनके हिम्मत का एक वाक्य मुझे स्मरण हो रहा कि उस तरह का वाक्य क्या यहां कोई डिक्टेटर आज यह स्थिति है कि इतने खुलम खुला कह सके। सुडेटन जर्मन में जिस समय प्लेबिसाइट हुआ कि सुडेटन जर्मन यह सुडेटन प्रोविंस यह जेकोस्लोवाकिया में ही रहे या जेकोस्लोवाकिया से जर्मनी में आ जाए, इसके लिए जब जन मत संग्रह हुआ तो उसके इनॉग्रेशन के समय मार्शल गोरिंग का एक भाषण था। उस भाषण में उन्होंने कहा कि वी हैव एक्सपेल्ड ज्यूज, ज्यू से मतलब उनका कम्युनिस्ट था, वो सब कम्युनिस्टों को ज्यूज कहते थे। वी हैव एक्सपेल्ड ज्यूज फ्रॉम पब्लिक लाइफ बिकॉज देयर कैपिटल वॉज मॉस्को, कैथोलिक्स बिकॉज देयर कैपिटल वॉज रोम, एंड फ्री मैसन्स बिकॉज दे टॉक ऑफ इंटरनेशनलिज्म, ऐसा बोला। अर्थ आप समझ गए। अब इस तरह का खुल्लम खुल्ला हिम्मत के साथ कहना वही डिक्टेटर कह सकता है जो वर्ल्ड ओपिनियन की फिक्र नहीं करेगा, क्योंकि कैथोलिक भी बहुत चारों ओर फैले हुए हैं, जो भी चारों ओर फैले हुए हैं अपने अपने राष्ट्र में वो अपना प्रभाव भी रखते हैं। अब यह जो एक स्ट्रेंथ है इसका असर होमोफेयर्स पर होता है कि नहीं, और इसके कारण अंग्रेज साम्राज्य क्योंकि यह विचार करते थे कि अपना इमेज अच्छा रहना चाहिए, जितने ही यहां के आंदोलन हुए उनको उन्होंने अन्याय से ही दबाया, अत्याचार से दबाया, दमन किया, लेकिन उनका दमन करने का तरीका और रशिया और जर्मनी का दमन करने का तरीका इसमें बहुत अंतर रहा। वहां तो अपने जो कॉमरेड्स इन आर्म्स उनको भी सीधे गिलोटिन पर चढ़ाया जाता है, फांसी दिया जाता है। इस तरह का व्यवहार यहां करना तब तक संभव नहीं, करने की क्षमता है कि नहीं, सबको फांसी देने की क्षमता है डिक्टेटर में, लेकिन तब तक यह करना डिक्टेटर के लिए संभव नहीं जब तक उसको महसूस होता है कि दुनिया में मेरी इमेज एज डेमोक्रेटिक रूलर रहनी चाहिए। यह आवश्यकता जब तक महसूस होती है तब तक इस तरह का व्यवहार नहीं हो सकता, ऐसे कुछ नियंत्रण आ जाते। इसी के कारण हम लोग देखते हैं, नहीं तो पिछले इमरजेंसी के समय वर्ल्ड ओपिनियन की फिक्र न करते हुए चलने का साहस यदि इंदिरा जी में होता तब तो ये सारे लीडर्स वापिस आते ही नहीं, कोई वापिस आने की आवश्यकता नहीं। लेकिन परिस्थिति ऐसी है, पिताजी से इनहेरिट किया हुआ यह भी एक गुण है कि दुनिया में मेरी प्रशंसा, इधर डिक्टेटोरियल पावर भी रहे लेकिन दुनिया में भी मेरी प्रशंसा हो, और फिर वर्ल्ड लीडर के नाते भी मेरा स्थान कहीं ना कहीं आ जाए वर्ल्ड हिस्ट्री में, यह भी एक सुप्त भावना है। तो इसके कारण होम अफेयर्स में बहुत नियंत्रण आ जाता है। अब पिछले बार आपने देखा होगा कि इमरजेंसी के रहते हुए, क्योंकि आजकल मजदूर और विद्यार्थी ये दोनों वर्ग ऐसे माने जाते हैं कि भाई ये यदि किसी के ज्यादा खिलाफ है, इनके ऊपर दमन चलता है, तो फिर प्रोग्रेसिव कंट्रीज भी ऐसा समझती है, जिनको प्रोग्रेसिव इंडिवेटेड कामों में कहा जाए, ऐसी कंट्रीज भी सोचती है कि यहां कुछ गड़बड़ है, ये रिएक्शनरी गवर्नमेंट है। तो जगह जगह आपको अनुभव आया होगा कि अन्य सत्याग्रहियों के साथ होने वाला व्यवहार और अपने सत्याग्रहियों के साथ मजदूर क्षेत्र के होने वाला व्यवहार, इसमें कुछ अंतर था। मैंने अपने भारतीय मजदूर संघ का यदि हमने उदाहरण लिया तो 7,000 लोगों ने कानून का उल्लंघन किया, और मिसा डीआईआर को यदि छोड़ दिया तो 5,000 लोगों को एक्चुअली अरेस्ट किया गया, और बाद में जब हमने इंक्वायरी की तो यह पता चला कि विद्यार्थी और मजदूरों की दृष्टि से कुल मिलाकर देश में यह नीति चलाई गई कि भाई इनको और ज्यादा ऑफेंड न किया जाए, और इस दृष्टि से यदि 50 आदमी का डेमोन्स्ट्रेशन है तो प्रमुख 2-3 लोगों को पकड़ना, बाकी लोगों को वैसे रहने देना, यह पॉलिसी ली गई। इसका कारण है कि मजदूर और विद्यार्थी दोनों सेक्शन के बारे में सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव कंट्रीज ऑफ द वेस्ट जो है उनका अपना एक दृष्टिकोण तय है कि जिसके खिलाफ मजदूर और विद्यार्थी है उसको समझते हैं कि ये प्रोग्रेसिव नहीं। माने एक बार यदि वर्ल्ड ओपिनियन की चिंता करने का विचार किया तो उसके कारण ये तरह तरह के कंपल्शन आ जाते हैं।
आर्थिक क्षेत्र में भी, होम अफेयर्स में भी। तो डिक्टेटरशिप आ गई इतना ही कहने से नहीं होता, तो तफसील में जाकर यह भी देखना पड़ेगा कि क्वालिटी ऑफ डिक्टेटरशिप क्या है, वैरायटी ऑफ डिक्टेटरशिप क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ डिक्टेटरशिप क्या है, इसका भी विचार करना पड़ेगा। अब यह एक तो बात डिक्टेटरशिप का सक्सेस क्वालिटी ऑफ डिक्टेटर पर भी अवलंबित है, यह व्यक्तिगत बात है, लेकिन क्वालिटी ऑफ डिक्टेटर, उसका थिंकिंग पैटर्न, उसकी मेंटल हैबिट्स, उसका टेम्परामेंट, इसके ऊपर बहुत कुछ अवलंबित है। लेकिन अकेले के भरोसे डिक्टेटरशिप नहीं चल सकती, या कोई भी सत्ता नहीं चल सकती। कुछ ऑर्गन्स ऐसे हैं कि जिनकी सहायता तो अपरिहार्य है। प्रमुख रूप से दो ऑर्गन्स का विचार आता है, एक तो है आर्मी और एक है ब्यूरोक्रेसी। अब आर्मी के दृष्टि से अपने देश में ज्यादा सोचने की आवश्यकता अब तक तो निर्माण नहीं हुई, पिछले इमरजेंसी में भी आर्मी का उपयोग करने की उनको आवश्यकता नहीं हुई, आर्मी ने भी कुछ नहीं किया, दोनों तरह से निगेटिव ही था, तो उसका तो एक्टिव थिंकिंग करने की आवश्यकता नहीं। जहां तक ब्यूरोक्रेसी का सवाल है, ब्यूरोक्रेसी ही तो मशीनरी ऑफ इंप्लीमेंटेशन, मशीनरी ऑफ इंप्लीमेंटेशन, चाहे आइडियोलॉजिकल डिक्टेटरशिप हो चाहे पर्सनल डिक्टेटरशिप हो, आखिर कुछ करना है ना देश में, भला करना है, बुरा करना है, कुछ भी करना है, लेकिन कुछ तो करना है, समथिंग इज टू बी गॉट डन। तो इंप्लीमेंटेशन का तो महत्व है। अब यह इंप्लीमेंटेशन पर्सनल या आइडियोलॉजिकल, दोनों डिक्टेटरशिप के अंडर, यह इंप्लीमेंटेशन ब्यूरोक्रेसी के आधार पर कैसे किया जा सकता है, पहली बात हम छोड़ देंगे कि हिंदुस्तान में पहले ब्यूरोक्रेसी में विश्वास था कि जब तक चांद और सूरज है तब तक इंदिरा जी डिक्टेटर रहेगी, इसके कारण आउट ऑफ द वे जाकर भी उन्होंने इंदिरा जी को खुश करने के लिए ऑन देयर ओन कई अत्याचार किए, इस बात को छोड़ दो। किंतु ब्यूरोक्रेसी के द्वारा इंप्लीमेंटेशन करवाना सत्ताधारियों के लिए संभव है क्या, किस परिस्थिति में संभव नहीं है? डिक्टेटरशिप की अवस्था छोड़कर ऑर्डिनरी जो डेमोक्रेटिक सेटअप है, इसमें आप में से हर एक को अनुभव आया होगा कि ऑर्डिनरी अंडर नॉर्मल कंडीशन ऑफ डेमोक्रेसी मिनिस्टरों के बस का रोग नहीं है कि ब्यूरोक्रेसी को दबाना और ब्यूरोक्रेसी को लेकर चलना। नॉर्मल कंडीशन का विचार करें, डिक्टेटरशिप का बाद में करेंगे, क्योंकि अपने यहां वो परिस्थिति है, वेस्टर्न कंट्रीज में भी, कि मिनिस्टर्स को वो समझते हैं कि आने जाने वाले डेमोक्रेटिक सेटअप में, इसके कारण वो ज्यादा बलवान होते हैं, डिक्टेटरशिप में वो अवस्था नहीं। तो भी इतने साल से जो एक स्टील फ्रेम चलती आई, उसका भी एक अपना टेम्परामेंट बन जाता है, उसकी भी अपने आदतें बन जाती है, और जो पॉलिसी आएगी ब्यूरोक्रेसी अफसरशाही जैसा इंप्लीमेंट करेगी उतना ही इंप्लीमेंट होगा। डिक्टेटर भी रहा, ऑल पावरफुल रहा, माइट ऑल माइटी रहा, तो भी आखिर इंप्लीमेंटेशन इन लोगों ने करवाना, और इन लोगों से इंप्लीमेंटेशन ठीक ढंग से करवाना केवल इनके भरोसे, ये ना स्टालिन के लिए संभव हुआ, ना हिटलर के लिए संभव हुआ, ना मुसोलिनी के लिए संभव हुआ, किसी के लिए संभव नहीं। डिक्टेटर अपने स्थान पर बैठा है, सारी पावर कॉन्स्टिट्यूशनल उसके हाथ में है, लेकिन अफसरशाही केवल लेफ्ट टू देमसेल्व्स, किसी पॉलिसी का बराबर इंप्लीमेंटेशन होगा इसका भरोसा नहीं। इसलिए पर्सनल डिक्टेटरशिप तो बात छोड़ ही दीजिए, जहां आइडियोलॉजिकल डिक्टेटरशिप है वहां भी लेफ्ट टू इटसेल्फ ब्यूरोक्रेसी विल नॉट इंप्लीमेंट द पॉलिसीज प्रॉपरली, और इसलिए डिक्टेटरशिप के वैरायटी में अंतर रहा, कहीं कम्युनिस्ट डिक्टेटरशिप रही, कहीं एंटी कम्युनिस्ट डिक्टेटरशिप रही, लेकिन दोनों आइडियोलॉजिकल डिक्टेटरशिप के पैटर्न्स के अंतर्गत उनको स्पेशल यह व्यवस्था करनी पड़ी कि जितने लेवल्स पर ब्यूरोक्रेसी है उतने लेवल्स पर ब्यूरोक्रेसी को बराबर दबाकर उनको ठीक ढंग से काम करने के लिए एट एवरी लेवल बाध्य कर सके, इस तरह की पार्टी मशीनरी, पार्टी के कैडर्स एट ऑल द लेवल्स,
और इस तरह के पार्टी के कैडर्स के दबाव के अंतर्गत ब्यूरोक्रेसी से सारा इंप्लीमेंटेशन करवा लेना, ये कम्युनिस्ट डिक्टेटरशिप के अंतर्गत भी करना पड़ा, एंटी कम्युनिस्ट डिक्टेटरशिप के अंतर्गत भी करना पड़ा। तब इंप्लीमेंटेशन जो हुआ सो हुआ, क्या पॉलिसी थी क्या था ये अलग विचार है। लेकिन जो ही डिक्टेटर्स ने सोचा कि ये इंप्लीमेंटेशन मैं चाहता हूं, लेफ्ट ब्यूरोक्रेसी किसी डिक्टेटरशिप में हुआ नहीं, तो डिक्टेटर का स्वयं अपना कैडर, और जो कैडर हरेक स्तर पर अफसरशाही को दबाकर जो डिक्टेटर की पॉलिसी होगी उसके मुताबिक चलने के लिए अफसरशाही को बाध्य करता है, इस तरह का कैडर, और वो ब्यूरोक्रेसी को दबाकर काम करवा लेता है, इसी ढंग से ब्यूरोक्रेसी से काम लिया गया। सोचने की बात है कि क्या इस तरह का कैडर इंदिरा जी के पास है। कैडर शब्द का विश्लेषण करने की आवश्यकता नहीं। कैडर यानी आदर्शवादी कार्यकर्ता है, एकनिष्ठ कार्यकर्ता है, डेडिकेटेड कार्यकर्ता है। कैडर का मतलब डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट नहीं है जो एमपी होने के लिए कांग्रेस ज्वाइन किए हुए है, या कुछ परमिट लाइसेंस के लिए इंदिरा जी को ज्वाइन किए हुए है, उनको कैडर नहीं कहा जाता। ऐसे अपॉर्चुनिस्ट करियरिस्ट तो हर एक सत्ताधारी के पास पहुंचते हैं, लेकिन कैडर का मतलब होता है एक अलग। इस तरह का यहां कैडर नहीं है, यह भी बात हम ख्याल में रखें। और इस तरह का कैडर न होने के कारण ही पिछले बार कई बातें ऐसी जरूर हुई है कि जो इंटेंडेड नहीं थी, माने जितना सारा बीच में जो उन्होंने कुछ बहानेबाजी की है कि जो अत्याचार वगैरह हुए वो हमने हमारे द्वारा नहीं हुए, ब्यूरोक्रेसी ने गलत ढंग से इंप्लीमेंटेशन किया यह कहा, तो ये बहानेबाजी है ये मैं सोचता हूं, लेकिन ये बिल्कुल तथ्यविहीन है ऐसा मैं नहीं सोचता। इसका कारण ही है कि ब्यूरोक्रेसी को बराबर ढंग से चलाने वाली पार्टी मशीनरी नहीं बनी। अब जैसे फैमिली प्लानिंग का केवल उदाहरण के लिए जिसमें दोनों पॉइंट्स आ जाते हैं, फैमिली प्लानिंग की हम बात ले जिसके कारण वो बहुत अप्रिय हो गई। क्या आप समझते हैं कि कॉमन मैन को इतना कॉमन सेंस है कि इस तरह से फैमिली प्लानिंग पर यदि अति आग्रह दिया गया तो हम अनपॉपुलर हो जाएंगे, वो कॉमन मैन समझ सकता है, वो नहीं समझ सकती थी। लेकिन उसमें एक तो पहली बात आती है कि एक्सटर्नल कंपल्शंस, वर्ल्ड बैंक ने यह ज्यादा सहायता देने के लिए कंडीशन के नाते उनको कहा था कि फैमिली प्लानिंग का प्रोग्राम यदि ठीक ढंग से चलेगा तो आपको एडिशनल हेल्प मिलेगी। पैसा तो चाहिए था, ये एक एक्सटर्नल कंपल्शन था। एक्सटर्नल डिपेंडेंस के कारण क्या होता है उसका एक उदाहरण था। लेकिन दूसरी बात कि आग्रह देते हुए भी सारे अत्याचार बिल्कुल उन्होंने कहे होंगे, इसीलिए हर जगह अफसर ने अत्याचार किया, ऐसी बात नहीं, तो हर जगह किस तरह का इंप्लीमेंटेशन अफसरशाही कर रही इसके ऊपर बराबर कंट्रोल रखने के लिए इनकी अपनी पार्टी मशीनरी कुछ नहीं, इसके कारण भी कुछ एक्सेसेस हुए। माने बहानेबाजी भी है लेकिन एकदम सारा तथ्यविहीन है ऐसी बात नहीं, और यह हर समय होगा। जहां पार्टी के अपने कैडर्स नहीं रहते वहां ब्यूरोक्रेसी को दबाकर लेकर चलना और उनके द्वारा इंप्लीमेंटेशन करवाना यह बहुत कठिन काम होता है। पार्टी कैडर्स के साथ डिक्टेटर और पार्टी कैडर्स के बगैर डिक्टेटर, इसमें बहुत अंतर आता है। ब्यूरोक्रेसी में कि ब्यूरोक्रेसी के बारे में भी आता है, जनरल कॉन्डक्ट ऑफ अफेयर के बारे में भी आता है। डिक्टेटर तो वही है, पावर समान है, कॉन्स्टिट्यूशन में स्थान समान है, लेकिन व्यवहार में बहुत अंतर आता है, हर प्रतिक्रिया में अंतर आता है। केवल उदाहरण के लिए एक मैं बात बताऊं कितना अंतर आ सकता है, माने यहां ऐसा आएगा ऐसा नहीं, लेकिन कितना अंतर आ सकता है। पार्टी मशीनरी के अभाव में डिक्टेटरशिप का अर्थ क्या होता है और पार्टी मशीनरी के साथ डिक्टेटर का मतलब क्या होता है, उसके प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस क्या है। दूसरे महायुद्ध में हमने दो डिक्टेटोरियल रेजिम्स में उसका उदाहरण देखा। देखिए दोनों पराजित हुए, हिटलर भी पराजित हुआ, मुसोलिनी भी पराजित हुआ। मुसोलिनी के बारे में यह कहना पड़ेगा कि शुरू में बिल्कुल अच्छा था, स्वयं आइडियलिस्ट था, लेकिन बाद में भ्रष्ट हो गया, उसके कारण कैडर्स भी भ्रष्ट हो गए,
हिटलर के बारे में यह बात नहीं है, आखिर तक उसके कैडर्स ठीक थे। कुल मिलाकर नतीजा क्या हुआ, केवल एक दिशा दर्शन इस नाते में बता रहा हूं, पराजय दोनों का हुआ लेकिन अलग अलग परिस्थितियों में। हिटलर की पराजय हुई लेकिन किसी ने बिट्रे नहीं किया, किसी ने हिटलर की मुर्दाबाद नहीं की। आखिर तक बर्लिन में शत्रु की सेना घुस गई तो भी बड़े बड़े वेटरन सब अवेलेबल नहीं थे, तो 15-15 साल के 16-16 साल के बच्चे हाथ में राइफल लेकर रास्ते में खड़े हो गए, हेल हिटलर कहते हुए खड़े हो गए, उसकी जय जयकार करते हुए खड़े हो गए, यह जानते हुए कि हम भी मरने वाले हैं, बर्लिन भी खत्म होने वाला है, तो भी उसकी जय जयकार करते हुए लड़के भी खड़े हो गए। सर्वनाश का दृश्य सामने देखते हुए, और यहां दूसरा दृश्य था कि दूसरा डिक्टेटर मुसोलिनी, पूरा देश उसके हाथ से निकल गया था, ऐसी बात नहीं, तो भी कुछ न कुछ हिस्सा बेस ऑफ ऑपरेशन के नाते उसके हाथ में था, तो भी जनता के द्वारा ही वॉज हंटेड एंड शॉट डाउन। जनता के द्वारा, विदेशियों के द्वारा अलग बात, जनता को विदेशियों ने साथ दी होगी लेकिन उसके जनता के द्वारा ही वॉज शॉट डाउन। ये बड़ा अंतर कैडर्स रहने का और न रहने का होता है, क्योंकि हम लोगों के पास कैडर्स है, हमको कैडर्स का महत्व नहीं समझते। मैं समझता हूं कि जिसके पास जो शक्ति रहती है उस शक्ति का महत्व उसको नहीं समझते। कैडर्स रहना न रहना इसके कारण बहुत अंतर होता है। आज इनके पास कैडर नहीं, यह बात हम स्पष्ट रूप से जानते हैं। तो वर्ल्ड ओपिनियन की जिन्होंने फिक्र करनी है उनके ऊपर एक तो कंपल्शन आ जाते हैं, फाइनेंशियल अफेयर्स में, इकोनॉमिक फील्ड में भी आते, होम अफेयर्स में भी आते, फिर ब्यूरोक्रेसी के साथ कैसा व्यवहार करना, ब्यूरोक्रेसी का इंप्लीमेंटेशन, इस पर भी उसका असर होता है यदि पार्टी मशीनरी साथ में न रही। ये सारी कठिनाइयां हैं और इन सब कठिनाइयों को देखते हुए केवल ग्रॉस थिंकिंग करना कि सर डिक्टेटरशिप आ गई तो हम खत्म हो गए, इसकी आवश्यकता नहीं। अब कोई कहेगा कि ये सारा ठीक है, थियरी वगैरह सब आपने बताया, ये सब ठीक है, भाई व्यवहार में क्या अत्याचार शुरू नहीं करेगी? भाई इसके भी विषय में ज्योतिषी के अलावा कौन बता सकता है? इतिहास में ऐसे उदाहरण हैं, राजनीति में नहीं, लेकिन इतिहास में ऐसे उदाहरण हैं कि साधु के दुष्ट पुरुष हो गए, दुष्ट पुरुषों के साधु भी हो गए। कहा जाता है कि एवरी सेंट हैज हिज पास्ट एंड एवरी सिनर हिज फ्यूचर, ऐसा कहा गया। तो कल जो पापी थे वो आज अच्छा आचरण नहीं रखेंगे, इसकी गारंटी थोड़ी है, हो सकता है। लेकिन मान लीजिए कि जैसे अपनी हमेशा की पद्धति है, रीति है कि होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, ये अपनी पद्धति है कि होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। तो दोनों दृष्टि से यदि हम विचार करते हैं कि इफ वर्स कम्स टू द वर्स्ट, तो जैसा अभी कहा कि पुराना स्वानुभव ख्याल में रखते हुए अब जो डिक्टेटोरियल पावर हाथ में आ रही वो फिर से हाथ से खिसक न जाए, इस दृष्टि से कॉशस अप्रोच होगा, इतना तो सोचा जा सकता है। अपनी पावर कंसोलिडेट करने का प्रयास होगा, इकोनॉमिक सिचुएशन को कंट्रोल में लाने का पहले प्रयास होगा। इकोनॉमिक सिचुएशन आउट ऑफ हैंड जा रही है, अपने मशीनरी पर कंट्रोल नहीं, और आउट ऑफ विंडिक्टिवनेस, केवल बदला लेने की भावना से, और ये दुश्मन है इसको खत्म करो, वो दुश्मन है उसको खत्म करो, ये दुश्मनों को खत्म करने का ही पहला फेस प्रोग्राम लिया जाएगा, यह कॉमन सेंस में बैठने वाली बात नहीं। यह लेना भी हो, लेगी या नहीं लेगी यह तो भगवान ही कह सकता, लेकिन यह लेना भी हो और हम प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट इसके नाते सोचे, लेना भी हो तो उसको टाइम लगेगा, और वह टाइम कितना लगेगा? तो जब तक ये सारी सिचुएशन ग्रिप में नहीं आती, पकड़ में नहीं आती, तब तक तो राह देखना ही, तब तक राह न देखने से तो उनके लिए सर्वनाश की बात आ जाती। तो इस दृष्टि से कुछ देर तक राह देखकर
जैसे जैसे इंटरनल ग्रिप कंसोलिडेट हो जाती है मशीनरी पर, इकोनॉमिक सिचुएशन पर, वैसे वैसे यहां फिर बाकी जो विरोध है और बदला लेना या अत्याचार करना यह सारी चीजें बढ़ सकती है। ये बातें जल्दी होना असंभव है, कुछ समय इसमें है। तो हम एकदम कि अच्छे से अच्छा क्या होगा इतना ही केवल विचार न करते हुए, या बुरे से बुरा क्या होता है इतना ही विचार न करते हुए, क्या क्या होगा वो देखेंगे। लेट अस वेट वॉच। इट इज नॉट ए क्वेश्चन ऑफ होप, वी आर कॉन्फिडेंट ऑफ आवर अल्टीमेट विक्ट्री। प्रे तो हम हमेशा करते हैं, क्योंकि हम लोग ऑर्थोडॉक्स है, बहुत प्रोग्रेसिव वगैरह नहीं है। तो वेट एंड वॉच की पॉलिसी कुछ लेना पड़ेगा। लेट अस नॉट रश टू द कंक्लूजन्स। लेकिन एक कंक्लूजन ऐसा है जो इनेविटेबल है किसी भी परिस्थिति में, के विरोधी शक्तियों के लिए घातक नीतियों का भी स्वीकार करना होगा, तो भी उसमें जल्दबाजी नहीं होगी, इतना तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है। जल्दबाजी नहीं होगी, जल्दबाजी नहीं होगी यानी कितनी राह देखी जाएगी, तो इसका भी हिसाब लगाया जा सकता है कि इंटरनल कंसोलिडेशन ऑफ पोजीशन और कंट्रोल लाना इकोनॉमिक कंडीशन को इतनी राह देखनी पड़ेगी। इकोनॉमिक कंडीशन को आंखों से ओझल करते हुए कोई कैंपेन शुरू नहीं किया जा सकता, इसका एक कारण है, स्पेशल कारण है। हमेशा क्या होता है कि जब कभी फेल्योर आ जाता है तो हर पॉलिटिशियन की यह स्ट्रेटेजी रहती है, इंदिरा गांधी की भी तो हमेशा रही है, पंडित जी की भी यह थी, नेहरू जी की, कि फेल्यूर के लिए किसी ना किसी को तो भी स्केट बोर्ड बनाना। आज परिस्थिति ऐसी है कि इकोनॉमिक फेल्यूर के लिए स्केट बोर्ड किसी को बनाया नहीं जा सकता, विद हिज पावर इन हर हैंड किसी को बनाया नहीं जा सकता। वैसा अपना हमेशा का एक प्यारा संगठन इस नाते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को किसी भी बात के लिए जिम्मेवार बनाना, यह तो एक स्वभाव है। लेकिन मुश्किल की बात ऐसी है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को दुनिया भर के और किसी बात के लिए स्केपगोट बनाना संभव है, लेकिन इकोनॉमिक कंडीशन ये क्षेत्र ऐसा है कि उसके लिए संघ को स्केपगोट नहीं बनाया जा सकता। माने इस समय संघ उनको ये सहारा नहीं दे सकता। तो इस दृष्टि से इसमें देर लगने वाली है। यदि ऐसा भी हो जाता है कि इकोनॉमिक कंडीशन बिगड़ गई, कहा कि संघ वालों के कारण हुआ है, तब तो एक स्केटबोर्ड मिल जाता, अगला कदम उठाने में वो फिर हिचकिचाहट न करती। लेकिन इसमें टाइम लगेगा, क्योंकि स्केटबोर्ड इज नॉट अवेलेबल, जो अवेलेबल है वो पिक्चर में फिट नहीं हो रहा, तो इसके कारण थोड़ा समय लगेगा। अब समय लगेगा इसके कारण वो आघात नहीं करेंगे, और समय न लगेगा इसके कारण यदि ऐसी ट्रेंड्स दिखाई दी जिसके बारे में आज एकदम प्रेडिक्ट करने की आवश्यकता नहीं, क्या आवश्यकता है, जैसे जैसे परिस्थितियां होगी वैसे वैसे हम अपने ताकत के सहारे जा सकते, देखते रहेंगे क्या होगा। अंग्रेजी में एक कहावत है कि लेट अस क्रॉस द ब्रिज व्हेन वी रीच इट, माने कोई दो जा रहे और सोच रहे कि वो लंबा ब्रिज है, भाई यार ये कैसे क्रॉस करेंगे, माने ब्रिज तो 10 मील दूर है, लेकिन वो अभी से चिंता मग्न हो गए कि ये ब्रिज को कैसे क्रॉस करेंगे, फिर वो पटरियां कहाँ रहेगी, कोई पकड़ने के लिए सहारा रहेगा या नहीं रहेगा। तो दूसरा आदमी कहता है कि भाई लेट अस क्रॉस द ब्रिज व्हेन वी रीच इट, जब वहां पहुंच जाएंगे तो सोचेंगे कैसे क्रॉस करना। आज हमारी संगठनात्मक शक्ति इतनी है कि वी कैन अफोर्ड टू से दैट लेट अस क्रॉस द ब्रिज व्हेन वी रीच इट। इसका मतलब भविष्य के बारे में विचार नहीं करना ऐसा नहीं है, जितना विचार किया जा सकता है करना चाहिए, लेकिन भविष्य के बारे में केवल चिंता ही करते रहना यह भी बात बराबर नहीं। तो जितना प्रेडिक्ट किया जा सकता है उतना करते हुए अगला कदम उठाया जा सकता है। तो हमारे लिए भी यदि वर्स कम्स टू द वर्स्ट, जितने लोकतंत्रवादी राष्ट्रवादी शक्तियां हैं उनके ऊपर आघात करने का उन्होंने सोचा तो भी उसमें कुछ टाइम, कितना टाइम है यह हम आप अपने अपने स्थान पर भी परिस्थितियों को देखकर समझ सकते हैं। और प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट इसके नाते जो समय मिलने वाला है परिस्थिति के कारण, उस समय के अंदर ज्यादा से ज्यादा हम अपनी संगठनात्मक शक्ति कैसे बढ़ा सकते हैं, और यह संगठनात्मक शक्ति बढ़ाते हुए
उनके मन में परिवर्तन हुआ, राजर्षि के समान उन्होंने व्यवहार शुरू किया, पता नहीं भगवान किसको क्या बुद्धि देगा। तो उनके साथ कोऑपरेशन करने के लिए, क्योंकि हम तो रिस्पॉन्सिव कोऑपरेशन वाले हैं, हम राजनीतिक दल थोड़ी है, अच्छा व्यवहार रहा तो उनके साथ कोऑपरेशन करने के लिए भी राष्ट्र के नाते ज्यादा शक्ति की आवश्यकता है, और यदि दुर्व्यवहार रहा तो उसका मुकाबला करने के लिए भी ज्यादा शक्ति की आवश्यकता है। माने सहयोग के लिए भी ज्यादा शक्ति चाहिए यदि सहयोग इफेक्टिव होना हो, और संघर्ष के लिए भी ज्यादा शक्ति चाहिए यदि संघर्ष इफेक्टिवली करना हो। तो जितना हमें परिस्थिति के कारण अपरिहार्य रूप से समय मिलने ही वाला है, उस समय में ज्यादा से ज्यादा तेजी के साथ हम अपना संगठनात्मक कार्य बढ़ाएं, यह एक बात हम यहां तय कर सकते हैं। हाँ, एक बात लेकिन साथ साथ ये मैं बता दूं कि जो उनका भी स्वभाव है और हर एक डिक्टेटर का स्वभाव हो सकता है कि ये बीच में का समय है, वो भी समय हमारे लिए एकदम निर्विघ्न रहेगा ऐसा समझने की आवश्यकता नहीं, आघात नहीं होगा, लेकिन पीपल विल बी केप्ट ऑन देयर टोज, बिकॉज़ पीपल आर नॉट केप्ट ऑन देयर टोज फिर और अननेसेसरी झंझट खड़ी हो सकती है। तो इसके कारण कुछ तकलीफ तो होगी, तकलीफ का जो ढंग है वो अलग ढंग का रहेगा। जैसे कोई धातु है, अब उसको काटना है तो हथौड़ी मारकर भी काटा जा सकता है, वो काटने का एक ढंग हुआ, तोड़ने का एक ढंग हुआ, और दूसरा है कि सैंडविच उसको घिसते जाना। अब सैंडविच घिसते बहुत घिसा भी नहीं जाता, लेकिन वो धातु बेचारा स्वस्थ चित्त से बैठ भी नहीं सकता, कुछ न कुछ तकलीफ उसको चलती ही रहती है। तो इस तरह से ये जो सैंडविच का प्रयोग, ये सैंड पेपर बोलते हैं ना, सैंड पेपर, ये जो सैंड पेपर है, ये सैंड पेपर का प्रयोग लगातार सबके लिए किया जाएगा, इस ढंग से किया जाएगा कि एकदम कोई बड़ा विद्रोह न हो, लेकिन होगा, आपको एकदम स्वस्थ चित्त से रखा जाएगा ऐसी भी बात नहीं, एकदम हथौड़ी का आघात होगा ऐसी भी बात नहीं, होप फॉर द बेस्ट, इस नाते यदि सद्भावना जागृत हुई तो आपका सहयोग लिया जाएगा, बड़ी आपकी प्रतिष्ठा होगी, लेकिन यदि असद्भावना जागृत हुई तो प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, के नाते हम यह भी देखें कि कुछ तकलीफ होगी, लेकिन वह जो तकलीफ है वह हथौड़ी से धातु को तोड़ने वाली तकलीफ नहीं है, तो सैंड पेपर को घिसते रहने वाली तकलीफ है, और वह सैंड पेपर को भी इतनी ही मर्यादा से घिसा जाएगा कि इसके कारण बहुत बड़ा बलवा खड़ा ना हो, क्योंकि बहुत बड़ा बलवा मोड़ लेने की आज उनकी पोजीशन नहीं है। इस तरह की एक बात ख्याल में रखते हुए, और इसकी तो आदत अपने को शुरू से ही है, कोई समय नहीं, कोई दिन नहीं, कोई घंटा नहीं व्हेन वी वर नॉट ट्रबल्ड बाय द सैंड पेपर, चाहे ये सरकार रहे या वो सरकार रहे, हमारे लिए तो कोई खास ज्यादा अंतर नहीं हुआ। तो इस दृष्टि से सैंड पेपर का अभ्यास अभी इतने अपने को इतना हुआ है कि उसके लिए कोई अलग मानसिक तैयारी करने की आवश्यकता नहीं, आपकी जितनी मानसिक तैयारी है वो मोर देन इनफ। तो इतने तकलीफ होने वाली है यह पहले समझकर, और जो समय मिलने वाला है उस समय में हमने यदि ज्यादा तैयारी नहीं की संगठनात्मक, तो यदि आवश्यकता हुई मुकाबला करने की तो उसमें असुविधा होगी यह जानते हुए। वैसे भी हम अपना काम बढ़ा ही रहे थे, वैसे भी अपने काम की वृद्धि हो रही थी, उसमें गति थी, एक स्पीड थी, लेकिन इसको ज्यादा एक्सिलरेट करना पड़ेगा, ज्यादा एक्सपेडाइट करना पड़ेगा, तो ज्यादा समय, ज्यादा शक्ति हर एक अपना कार्यकर्ता अपने भारतीय मजदूर संघ के कार्य में डाले, माने परिस्थिति जैसे आएगी वैसे उसको हम समेट सकेंगे, वी शैल टेक इट इन ए स्ट्राइड, चिंता की बात नहीं, वी शैल टेक इट इन ए स्ट्राइड, और एक बार वी हैव टेकन द होल थिंग इन ए स्ट्राइड, वी कैन अगेन टेक द होल थिंग इन ए स्ट्राइड, कोई चिंता की बात नहीं। किंतु बुद्धिमानी के नाते, एक स्ट्रेटेजी के नाते, वह जो हमें समय उपलब्ध होने वाला है उसके बीच में हम अपनी पोजीशन ज्यादा से ज्यादा स्ट्रांग करने की दृष्टि से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एफर्ट्स, अपने प्रयत्नों का केंद्रीकरण करें, इतना ही कहना इस समय पर्याप्त होगा। भारत माता की।